और परेशान होने के पांच शब्द हैं। पांच शब्द याद करना। एक है पहला क्यों, क्यों कहा और व्यर्थ संकल्पों की क्यों चालू हो जाती होती है। ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये किया ना इसने, ऐसे किया ना, एकदम पांच मंजिल तक बना देंगे बिल्डिंग व्यर्थ संकल्पों की। क्योंकि हमारे हाथ में जो बीत चुका वो हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर हमारे हाथ में है, लेकिन हम क्या करते हैं, पास्ट को ही सोचते रहते हैं, जो पानी में लौड़ना है। अच्छा, मैंने कहा ये क्यों कहा, उसे क्यों कहने से कुछ मिलता है? मिलता है कुछ? परेशानी मिलती है ना, और तो कुछ नहीं। तो ये क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, ये पांच शब्द जो है ना वो हमारे को परेशान करते रहते। तो खुशी के जाने के रास्ते ये पांच शब्द। सुखदाता कौन? शिव बाबा ना। तो सुखदाता शिव बाबा है, उसको याद करने से हमारे पास क्या आएंगे, सुख की बातें आएंगी ना, तो टेंशन खत्म, जैसे या अंधकार हो जाए तो आप क्या करेंगे, लाइट का स्विच ऑन करेंगे। और जब लाइट का स्विच हम ऑन करते हैं तो अंधकार कितने में जाता है, सेकंड में। आपको निकालना तो नहीं पड़ता ना अंधकार, सेकंड में अंधकार से रोशनी हो जाती है। ऐसे टेंशन जब आवे, अटेंशन अगर शिव बाबा के तरफ होगा, टेंशन खत्म हो।